बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के कोटा शहर से, जहां के नाता इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। यहां ट्रेचिंग ग्राउंड के पास एक निजी स्कूल की बस पलट गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बस में फंसे बच्चों को कांच तोड़कर बाहर निकाला। हादसे के समय बस में करीब 30 बच्चे सवार थे। वहीं अनियंत्रित होकर बस पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 10 से लेकर 12 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों को मामूली सी चोटें भी आई हैं। घायल बच्चों को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अस्पताल जाकर घायल बच्चों का हालचाल जाना, डॉक्टर से बच्चों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोटा कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन सहित बड़ी संख्या में अधिकारी अस्पताल पहुंचे। घटना की सूचना मिलने पर बच्चों के अभिभावक और स्कूल संचालक भी मौके पर पहुंचे। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना पर MBS हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीना ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। अभी हमें सूचना मिली थी कि कोई बस पलट गई, तो उसमें स्कूल के बच्चे थे। तो हमारे पास 6 बच्चे आए हैं, तो सभी ठीक है। और एक के मतलब सिर में चमड़ी में कट लगा हुआ है, बाकी तो ठीक है, उसके स्टिच कर रहे हैं। और ठीक है, नहीं अभी जो 6 बच्चे एक के ही है चोट, बाकी के कोहनी में रगड़ है और बाकी ठीक है। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ कुछ पता लगा क्या था? नहीं, ये मेरे को आइडिया नहीं है। ये कहा था कुनाड़ी साइड नाम था में कोई बस पलटी हुई है, तो वो आएंगे तो हम रेडी थे, और जैसे आए हमने सारा ठीक कर दिया, हमारा जो हमसे रिलेटेड जो काम था। बाकी नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं।